सारे लोग कहते हैं कि जनाब हमारा वेट ओवर वेट है, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग जो अंडर वेट भी होते हैं, उनके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए, ये हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया हमें बताएंगे। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे अंडरवेट, डीमेरिट्स ऑफ अंडरवेट और उसके अलावा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उसके बारे में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने एक मुकर्रा वज़न से, यानी उनका जो बीएमआई होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज वेट हाइट, उस तरह से नहीं होता। और वो जितना आपका बीएमआई अकॉर्डिंग टू योर एज वेट हाइट नहीं होगा, उसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में और डिफरेंट सीजनल और वेदर प्रॉब्लम्स में भी आएंगे। और वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ कि जो लोग अंडर वेट हैं या वो लोग जो कि सेल्फ इंड्यूस हंगर करते हैं, यानी बहुत 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 देर स्टार्वेशन मोड पे रहते हैं, उसको कहा जाता है कि डाइटिंग पर है। डाइटिंग इट्स नॉट लाइक टू से दैट कि आपने खाना पीना छोड़ दिया और आप बिल्कुल उस स्टार्वेशन और हंगर मोड पे चले गए। डाइटिंग असल में बेसिक क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट डाइट प्लान, कि आपकी खाने में आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी आपके नाश्ते में, आपके दोपहर के खाने में, रात के में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड हैं जिसकी वजह से और जिससे आपका जो है वो वेट बहुत लूज़ हो रहा है। जहाँ पे वेट लूज़ और अंडर वेट इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी होता है, तो वहीं पर आप जो ग़िज़ा है या ग़िज़ाई की लत दूर करने से भी उसको वेट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ, कई लोग जो कि अंडर वेट हैं या वो जो लोग अक्सर कहते हैं कि हम बहुत कैलोरीज़ कंज्यूम करते हैं, बहुत खाते हैं, पर उसके बावजूद उनका वेट गेन नहीं हो पाता, तो उसकी एक बड़ी वजह उनके मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना भी होता है। क्योंकि अक्सर औकात आप रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में भी, यानी बैठे हुए भी हैं, तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, और इस ड्यूरेशन में जब आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं और आप कोई भी न्यूट्रिएंट लेते हैं, एंड यू आर लाइक टू से दैट इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ी एक इसकी इटियोलॉजी और कॉज है कि आपकी फिस्ट, जो आपकी हाथ की हथेलियाँ होती हैं, इसमें पसीना आना, और उसके अलावा आपको बहुत स्मॉल यूरिनेशन, और इस सिचुएशन में आपको अपना ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल और फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग भी ज़रूर चेक करवाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की अलामत है और आपका वज़न गिर रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की बात की जाती है, उसके अलावा माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बात की जाएगी। यहाँ मैं बताती चलूँ कि देयर द हेल्दी ब्रेकफास्ट, देयर सम फूड आइटम्स जो कि अंडर वेट जिन लोगों का वज़न कम है उनको हेल्प आउट करती हैं। ब्रेकफास्ट में वो अगर हेल्दी देसी अंडों का इस्तेमाल करें या उसके अलावा दलिये का, उसके साथ साथ हेल्दी फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें। योगर्ट को बिल्कुल लेना मत भूलें, क्योंकि जो दही होती है उसमें प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक क्वालिटीज़ होती हैं। अक्सर अवकात हम भूल जाते हैं कि वी ऐड योगर्ट एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन योर डाइट, क्योंकि हम हमेशा चाय ज़रूर लेते हैं, पर यह कि हेल्दी जो फूड है वो कंज्यूम करने से ना सिर्फ आपका जो है वेट गेन का प्रोसेस होता है, बल्कि साथ ही साथ वो लोग जो कि सूखड़े का मर्ज का शिकार है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सेफ्रॉन टी इज़ टू गुड, पर बहुत ज़्यादा टीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बताती चलूँ, जो छोटे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और माएँ अक्सर परेशान होती हैं, तो उनके लिए सेब का मुरब्बा और थोड़ी सी अगर आप उसमें बलाई ऐड करके उनको दें, थोड़ा सा आप उसमें खशखास और साथ में थोड़ा सा उसमें जो है यू कैन ऐड ऑल्सो जौ का जो दलिया होता है वो ऐड करें, तो वो बहुत ही उनके लिए ज़बरदस्त है। इसी तरह जहाँ सेब का मुरब्बा रिकमेंड किया जाता है, वहीं पे गाजर का और उसके अलावा डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उसका मुरब्बा भी दिया जा सकता है। एक चम्मच डेली देने से या उसको हलवे के साथ बना के 3 से 5 साल के बच्चे को खिलाने में उसमें एनर्जी भी आती है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होते हैं और वो ताकत भी आती है। अच्छा, वो लोग जो कि जिम करते हैं और अक्सर अनहेल्दी फैट्स भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यू कैन से मसल वेट गेन करने के लिए यूरिया, क्रिएटिन और आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बताती चलूँ कि मसल वेट गेन तब होता है जब आप अपनी खुराक को मुनासिब और मुकर्रा मिकदार में लेते हैं। प्रोटीन पोर्शन जब आप प्लांट बेस्ड लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, जब आप एनिमल पोर्शन लेते हैं तो इट कैन कॉज सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर योर बॉडी, यानी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि हेल्दी नट्स फ्लेवर्ड वाटर लें, जो हेल्दी फ्रूट बेस्ड वेजिटेबल्स पर हो, हेल्दी शेक्स लें, दोपहर को अगर डेट शेक ले लें या खजूर का जैसे मिल्क शेक हो गया, एंड गो विद द हेल्दी जूसेस जो कि आपकी बॉडी को, आपका इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग करें और साथ ही साथ मसल वेट गेन करें, तो बहुत अच्छा है। रात को उबली हुई सब्जियां और साथ ही साथ 200 टू 350 ग्राम ऑफ चिकन या फिर मीट या फिश, यू कैन गो थ्रू विद द मीट पोर्शन, आप इनमें से कोई भी चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। वाइट मीट और वाइट फिश इज़ टू गुड, तो ये भी आपके प्रोटीन पोर्शन के लिए अच्छी है। जहाँ पर बीफ की बात की जाती है तो एनीमिक पेशेंट के लिए भी अच्छा और वज़न बढ़ाने में भी इस्तेमाल होता है, पर वज़न बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी डाइट में फाइबर फ्रूट्स का, फाइबरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, क्योंकि जिन लोगों का निज़ाम हाजमा अच्छा होता है और जिनका स्टमक बहुत अच्छा काम करता है, उनकी पूरी बॉडी बहुत अच्छी होती है। तो चीज़ों को हेल्दी कंज्यूम करना और उनको प्रॉपरली उनका न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लेने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको पता हो कि व्हाट्स इन योर प्लेट और आपको तमाम फूड पिरामिड और फूड डाइटरी गाइडलाइंस
बैलेंस का पता हो। यहाँ मैं बताना चाहूँगी फूड का जो पोर्शन साइज है, डाइट इज़ ऑल अबाउट कि आपने कितने पोर्शन लिया है, बर वक्त खाना खाया कि नहीं खाया, तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी जो गज़ाई किल्लत है उसको पूरा करने के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि जो आपकी न्यूट्रिशनल आप एक किसी एक न्यूट्रिएंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी दूसरा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में काम हो जाता है, जो कि आपको मेल न्यूट्रिशन यानी गज़ाई किल्लत की तरफ लेके जाता है। तो इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान में अगर देखा जाए स्टंटेड ग्रोथ की जो रेशियो है उसको भी ओवरकम किया जाता है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बताऊँ कि जो वज़न मतलब वज़न बहुत ज़्यादा कम होने की जो एक वजह है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस और प्रोसेस्ड फूड्स, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड यानी मिलावटशुदा जो खुराक का बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में इस्तेमाल है वो भी आपको एक्सेसिव वेट लूज़ की तरफ लेके जाता है, जो कि आप उसके आपके हेल्थ पे बहुत बेनिफिट है और बहुत इजीली जो है डिज़ीज़ आप पे अटैक करती है। सो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा नशास्ता, हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड जो है अपनी डाइट में ऐड करें और अंडरवेट होने से बच सकें। जी थैंक यू सो मच जवेरिया इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए। जनाब क्योंकि हम हेल्दी होने की बात करते हैं, ओवरवेट को हम अवॉइड करने के चक्कर में अंडरवेट भी हो जाता है समटाइम्स, तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स लें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, इससे आप बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब तक आपकी खुराक अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी जो है इसको उसका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली नहीं वर्क करेगा। तो उसके लिए बेहतर है कि अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, हेल्दी रहें, फिट रहें।